सीधे रुक कर लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। राम के शिलान्यास का सौभाग्य मिला है, मुझे विश्वास है कि कल की धाम भारतीय आस्था के एक और विराट केंद्र के रूप में उभर कर सामने आएगा। मैं सभी देशवासियों को और विश्व के सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देता हूं। अभी आचार्य जी कह रहे थे कि 18 साल की प्रतीक्षा के बाद आज ये अवसर आया है। वैसे भी आचार्य जी कई ऐसे अच्छे काम हैं जो कुछ लोग मेरे लिए ही छोड़ करके चले गए हैं। और आगे भी जितने अच्छे काम रह गए हैं ना, उसके लिए बस ये संतों का, जनता जनार्दन का आशीर्वाद बना रहे, उसे भी पूरे करेंगे। साथियों, आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती भी है। ये दिन इसलिए और पवित्र हो जाता है और ज्यादा प्रेरणादायक हो जाता है। आज हम देश में जो सांस्कृतिक पुनरोदय देख रहे हैं, आज अपनी पहचान पर गर्व और उसकी स्थापना का जो आत्मविश्वास दिख रहा है, वो प्रेरणा हमें छत्रपति शिवाजी महाराज से ही मिलती है। मैं इस अवसर पर छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, पिछले दिनों जब प्रमोद कृष्णम जी मुझे निमंत्रण देने के लिए आए थे, जो बातें उन्होंने बताई उसके आधार पर मैं कह रहा हूं कि आज जितना आनंद उनको हो रहा है, उससे अनेक गुना आनंद उनकी पूज्य माता जी की आत्मा जहां भी होगी उनको होता होगा। और मां के वचन के पालन के लिए एक बेटा कैसे जीवन खपा सकता है, ये प्रमोद जी ने दिखा दिया है।